तो हेलो व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब हां जी मित्रों स्वागत है आप सबका टू दिस सेशन जहां हम कवर करेंगे सीए फाइनल ऑडिट की जो आरटीपी है पी द मे 24 एग्जाम्स इसमें आईसीए ने जितने भी नए क्वेश्चंस पूछे ठीक है सर सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आप बोलते हो स्टैंडर्ड टू से लेकर सेवन की सीरीज तक ठीक है सर सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर वन देखो क्या कहता है वाई कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ क्वांटम मकैनिक्स लिमिटेड मिस्टर मनोज द ऑडिट मैनेजर आइडेंटिफाइड कि भाई कई सारी सिग्निफिकेंट पेमेंट्स हुई हैं बाय द कंपनी फॉर लीगल एंड रिटेनरशिप फीस विच रिलेटेड टू लिटिगेशन ठीक है सर दिस लिटिगेशन पर्टेन टू थिरुनली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विच इज सिचुएटेड ऑन अ फॉरेस्ट लैंड विच इज रिजर्व फॉर अ एलिफेंट कॉरिडोर एंड इट वॉज डिक्लेयर टू बी इन कंस्ट्रक्टेड तो भाई साहब सबसे पहले बताओ मुझे जब आपको कोई बोल रहा है कि आपने कहीं ना कहीं एक इलीगल कंस्ट्रक्शन करी है एंड इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर आपको पता चलता है आप लीगल एंड रिटेनरशिप फीस दे रहे हो क्या आपको खुशबू आ रही है क्या आपको ये इंडिकेटर मिल रहा है ऑफ द नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन आंसर इज यस यही चीज हमने पढ़ी थी ऐसे टू में अगर आपको वो एजेंट वाला एग्जाम्पल याद हो अगर आपको वो एजेंट वाला एग्जांपल याद हो, तो हमने एक की फोटो बना रखी थी फिर उसके बाद मैंने बोला था एजेंट विनोद जो है वो कैश में पेमेंट लेके शिप में बैठ के टैक्स सेवन चला गया तो वन ऑफ द पॉइंट वाज़ की इंडिकेटर वाज़ लीगल एंड रिटेनरशिप फीस ध्यान से देखो मित्रों ध्यान से देखो मित्रों क्या आपने क्या आपने यही चीज कवर की थी इधर आओ ये देखो क्या यही पॉइंट हमने कवर करे थे इंडिकेशन ऑफ नॉन कम्प्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड वन ऑफ द पॉइंट शिप दैट इज द लीगल एंड याद है सर तो यही बात यहां पर सबसे पहले कर रखी है यहां पर इन्होंने आपको फील दे दी किसकी एस 250 की ठीक है सर अब जब भी अगर ऐसी कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन मिलती है तो हमें ये देखना होता है क्या इसका कोई मटेरियल इफेक्ट है क्या इसका कोई मटेरियल इफेक्ट है किसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इस चीज का फिर हम देखते हैं प्रॉपर प्रोविजन प्लस डिस्क्लोजर होना चाहिए अगर प्रोविजन प्लस नहीं है तो ऐसे अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ता है मॉडिफाई मतलब या तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन कंसिडरिंग द मटीरियलिटी एंडनेस तो देखो आगे क्या कहता है कंपनी ऑल्सो रिसीव अटिस टू डी कमीशन द प्लांट यानी अब आपको प्लांट हटाना पड़ेगा इस पर खर्चा वगैरह आएगा बट इट हैड चैलेंज द डी कमिशनिंग ऑर्डर इन हाईकोर्ट एंड मैटर इज स्टिलोज एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिटिगेशन फॉर फाइनेंशियल सारे बच्चे दिल पे हाथ रख के बताओ अगर इतना बड़ा ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का या मतलब जो भी रेगुलेटरी uh, अथॉरिटी का और अब वो केस हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है क्या कंपनी को ये चीज डिस्कलोज करनी चाहिए थी आंसर इज यस ये चीज डिस्कलोज करके चलनी चाहिए थी अब देखो ये एक बात और बता रहा है थिरुन प्लांट अकाउंटेड फॉर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन एंड ऑडिट टीम कहती है कि अगर इसकी डीकमिशनिंग हो गई ये बंद हो गया तो ये कंपनी के ऑपरेशन की बैंड बजा देगा एंड इट कैन लीड टू बैंक ऑल्सो ऑडिट वॉज नियर टू कंप्लीशन अब जब मैं बोलता हूं बैंक क्रप्टसी बैंकसी से किसकी खुशबू आ रही है सर एंटिटी बंद हो जाएगी इसका आगे बढ़ना एक कंसर्न का मामला हो गया तो क्या मैं कह दूसए फाइव सेवेंटी गोइंग कंसर्न फटाफट देखो क्या मैं कह दूं ये ऐसे 570 गोइंग कंसर्न की खुशबू आ रही है हाँ सर अब एक बात बताओ क्या एंटिटी बंद हो चुकी है या बंद हो सकती है सर बंद हो सकती है तो जब हो जब हम बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक वे में तो इसका मतलब है देर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न तो इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए याद है हमने क्लास में चार डिस्क्लोजर पढ़े थे सर क्या क्या डिस्क्लोज होना चाहिए इवेंट्स और कंडीशन प्लस आपका प्लान फिर उसके बाद आप बोलते थे अभी भी मटेरियल अनसर्टेनिटी है सो एंटिटी में बी अनेबल टू रियलाइज द एसेट्स पे ऑफ द लाइबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अब एक बात बताओ क्या कंपनी ने कोई डिस्क्लोज दिया है आंसर इज नो इसका भी डिस्क्लोजर नहीं है और अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर नहीं होता तो क्या करते थे सर अगर इस केस में डिस्क्लोजर नहीं होता तो अगेन हम क्वालिफाइड और एडवर्स देते थे एज एस पर एस भी एक लेवल अगर आगे चले डिस्क्लोजर है ही नहीं तो इस केस में एडवर्स ओपिनियन दिया जाता था तो ये एक छोटी सी क्विक रिवीजन थी जो मैंने आपको अभी करा दी रिगार्डिंग दिस पार्ट तो ये कहता है मनोज जो है मनोज कौन था हमारा ऑडिट का मैनेजर मनोज ऑडिट मैनेजर टुक द एडवाइस ऑफ द पार्टनर मिस्टर शलभ ही सजेस्टेड कौन सजेस्टेड शलभ सजेस्टेड दैट नो इमीडिएट एक्शन वाज नेसेसरी फ्रॉम द ऑडिटर एज द मैटर वाज स्टिल पेंडिंग बिफोर द कोर्ट बट मनोज को लगता है कि मैंने तो शुभम सर से पढ़ा है मनोज को लगता है मैंने तो शुभम सर से पढ़ा है और मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ इंडिकेशन तो रिपोर्ट में जानी चाहिए तो आप मुझे बताओ किसका व्यू एप्रोप्रिएट है किसका पलरा भारी है एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो सबसे पहले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में आपको तीन स्टैंडर्ड्स का तड़का लगाना है इस आंसर में जल्दी से बताओ कौन कौन से एसे टू फिफ्टी एसे सेवन जीरो फाइव और एसे फाइव सेवेंटी इन तीन SA's का तड़का लगाते हुए चलना है सबसे पहले आप बोलोगे ऐसे टू फिफ्टी में जब भी ऑडिटर कंक्लूड करता है कोई नॉन कंप्लायंस है जिसका क्या है सर मटीरियल इफेक्ट है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसको एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट नहीं किया गया तो ऐसेवन जीरो के हिसाब से क्वालिफाइड और एडवर्स अब दिल पे हाथ रख के बताओ ये जो डिस्क्लोजर है क्या इसके अंदर से परवेसिवनेस की खुशबू आ रही है क्या ये पूरी एंटिटी की बैंड बजा रहा है या सिंगल एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर पूरी एंटिटी की बैंड बज सकती है तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे हमें इसका इंपैक्ट असेस करना होगा ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि इंपैक्ट मटेरियल और परवेसिव है तो यहां पे हमें एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए यहां पर कहीं ना कहीं हमें एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए ठीक है सर दूसरी चीज इन्होंने फिर यहां यहा पार्ट कवर किया सर सेकंड पार्ट किस में कहता है कहीं ना कहीं एंटिटी हो सकता है ये जो लॉज एंड रेगुलेशन है इफ सक्सेसफुल इट कैन लीड टू क्लेम्स विच द एंटिटी मे बी अनेबल टू सेटिस्फाई मुझे बताओ ये कौन सी इवेंट और कंडीशन थी हमने गोइंग कंसर्न जब चैप्टर पढ़ा तो उसमें हमने तीन टाइप्स ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशन पढ़े थे फाइनेंशियल इवेंट्स एंड कंडीशन ऑपरेटिंग इवेंट्स एंड कंडीशन एंड अदर इवेंट्स एंड कंडीशन देखते कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है ये आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है सर तो ये कहते हैं ये भी एक एग्जांपल होता है ऑफ इवेंट एंड कंडीशन दैट में कास्ट अग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ

जो हमारे मैनेजर हैं, इनका व्यू प्रॉपर है तो यहां पे आपने बस सिंपल सी बात समझनी थी सर क्या जो आपका एस ए टू फिफ्टी है वहां पे आपको कोई नोकलार no मिला अब चेक करो ये जो नोकलार no है क्या इसको आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली अकाउंट एंड डिस्क्लोज किया है या नहीं अगर तो किया है वेरी गुड अगर नहीं तो इसका इंपैक्ट एस पर एस एवन जीरो वेरी गुड ये तो फर्स्ट लेग ऑफ द क्वेश्चन थी सेकेंड लेग ऑफ द क्वेश्चन कहती है एस पर 570, अगर कल को कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी मिलती है रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न अगेन देखो इसका है या नहीं अगर आपको लगता है इन एडिक्वेट डिस्कलोजर है तो ऐसे 705 जीरो एप्लीकेबल हो जाएगा क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन इसमें भी अब अगर आपको लगता है डिस्क्लोजर बिल्कुल ही नहीं है तो फिर आप एडवर्स ओपिनियन देके चलेंगे क्लियर है क्लियर है सो दिस इज द समरी ऑफ द क्वेश्चन आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से हमको अब क्या सीखने को मिलता है सर मे 24 फोर एग्जाम के लिए दो एसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एसे टू फिफ्टी प्लस एसे फाइव सेवेंटी ठीक है ठीक है? है सर समझ गए सर अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर टू अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग क्वेश्चन इस क्वेश्चन में भी आपको एक और ऐसे की फील आएगी जो ऐसे काफी टाइम से ने नहीं पूछा एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम इन द ऑडिट ऑफ मनहटन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड तो कंपनी का नाम इतना बड़ा दिया आधे बच्चे तो यही बेहोश ठीक है अब फोकस करो ये कहते हैं हम अनकरेक्टेड स्टेटमेंट को चेक कर रहे पहले मुझे बताओ अनकेक्टेड स्टेटमेंट की बात कहां होती है सर अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स की बात होती है ऐसे 450 में हम्म में जो अनकरेक्टेड स्टेटमेंट होती हैं हमें उनको चेक करना पड़ता है सबसे पहले कि क्या वो मटेरियल है या नहीं सर ये सेकेंड स्टेज होती है पहली स्टेज तो ये होती थी कि आप अपनी मटेरियलिटी को रीअसेस करते थे आप अपनी मटेरियलिटी को रीअसेस करते थे उसके बाद देखते थे कि यह मिस मटेरियल है कि नहीं ठीक है सर अब देखो क्या कहता है सुशील को बड़ा सिग्निफिकेंट इशू मिला रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ मटीरियालिटी ऑन सेल्स इनिशियल मटीरियालिटी किसके ऊपर बेस्ड थी थी ये थी. ये एस्टिमेटेड फिगर्स पे बात हमने क्लास में ऑलरेडी कर रखी है कि स्टार्टिंग में जो मटेरियलिटी निकाली जाती है वो के बेसिस पे या पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे निकाल लेते हैं नोटेबली ड्यूरिंग द एस्टिमेशन फॉर फुल ईयर मैनेजमेंट एक्स्ट्रा पोलेटेड फॉम द मंथ सेल ठीक है तो ग्यारह महीने के सेल के हिसाब से हमने उसको बारह महीने पर एक्स्ट्रापोलेट कर लिया However, गिवन द नेचर ऑफ द कंपनी एंड द कंस्ट्रक्शन सेक्टर मंथली सेल्स एग्जिबिट सब्सटेंशियल वेरिएशन आखिरी महीने में कुछ अलग ही वेरिएशन आ गया एक्चुअल सेल्स were सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द एस्टिमेटेड सेल्स क्योंकि कहीं ना कहीं काफी स्टैम्प ड्यूटी यहां पे लग गई थी लास्ट मंथ की जो सेल्स थी वो सिर्फ 25% परसेंट थी ऑफ द एस्टिमेटेड सेल्स जल्दी से बताओ अगर आपकी सेल्स कम आई है लास्ट मंथ में तो मटीरियलिटी बढ़ेगी या घटेगी सर मटिरटी कहीं ना कहीं घट जाएगी अगर सेल्स घट गई हैं अगर सेल्स घट गई हैं और आप इसी पे कोई परसेंटेज निकाल के मटेरियलिटी निकाल रहे हो बेंचमार्क पे परसेंटेज निकाल के मटेरियलिटी निकाल रहे हो तो जब सेल्स घट गई तो मटेरियलिटी भी घट गई तो क्या जब मेरी मटेरियलिटी घटेगी तो क्या आपको अपनी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी घटानी पड़ती है हाँ सर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी तो मटेरियलिटी के नीचे आती है वो भी घटेगी अब अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी नीचे आ गई तो इसके ऊपर की चीजें ज्यादा टेस्ट होंगी हाँ तो कहीं ना कहीं आपकी जो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है टेस्टिंग है वो बढ़ जाएगा आपकी जो टेस्टिंग है वो बढ़ जाएगी एंड आई एम सो हैप्पी ना कि आईसीए इस लेवल पे आपके साथ चीजें खेल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीजों को हमने काफी डिटेल में ऑलरेडी हमने क्लास में कवर कर रखा है अब आगे देखो क्या कहता है नाउ मिस्टर सुशील इज कंफ्रंटेड डिलेमा व्हाट इज द एप्रोप्रिएट अप्रोच टू इवेलुएट द अनकरेक्टेड स्टेटमेंट यूजिंग द प्रीवियसली कैलकुलेटेड मटीरियलिटी अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ एस ए फोर ने क्या कहा था ऐसे फोर फिफ्टी ने क्या कहा था टॉपिक वॉज अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट बता दो भाई अब मजा आ जाए सर एस ए फोर फिफ्टी ने कहा था सबसे पहले तो आपने प्रायर टू इवेल्युएटिंग की जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो मटीरियल है या नहीं आपने सबसे पहले तो अपनी मटीरियलिटी को रीअसेस करना है ठीक है रीअसेस द मटीरियलिटी

अगर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को रिवाइज करोगे देखो इधर ये कौन है मटीरियलिटी इसी के नीचे आती है कौन मैंने कहा परफॉर्मेंस मटीरियलिटी अब हम क्या करते हैं जो भी चीजें परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के ऊपर हैं उनको हम चेक करके चलते हैं बट अगर खुदा ना खासता मैंने अपनी मटीरियलिटी नीचे करी तो क्या परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी नीचे हो जाएगी हाँ सर तो लेट से एम स्टार इज द न्यू मटीरियलिटी एंड पी एम स्टार इज द न्यू परफॉर्मेंस मटेरियलिटी तो जब आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को नीचे लेके आए तो क्या अब यह चीजें भी चेक करनी पड़ेंगी हाँ सो so, जब भी आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को रिवाइज करते हो तो आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ता है कि जो आपके नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हैं क्या वो अब इस केस में अप्रोप्रिएट हैं या नहीं ठीक है क्या ये बेसिक बात समझ आई हां सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस ओनली यू नीड टू रिवाइज द मटीरियलिटी अगर मटीरियलिटी रिवाइज होगी तो परफॉर्मेंस मटरियालिटी रिवाइज होगी परफॉर्मेंस मटीरियाल रिवाइज होगी तो आपको अपने टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी क्या ये बेसिक बात समझ आती है हाँ सर यही बात हमने कहीं ना कहीं ऐसे थ्री ट्वेंटी में भी कर रखी है एक बार फटाफट -फड़ आ जाओ मैं आपको यहां से भी एक बार रिवाइज करा देता हूं इतने गया थ्री ट्वेंटी ये रहा सर इधर देखो रिविजन ऑफ मटीरियलिटी कई बार आपको मटेरियलिटी रिवाइज करनी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए या पर्टिकुलर एबीसीडी के लिए अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन डिस्क्लोजर कब सर जब आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो डिफरेंट है फ्रॉम द वन विच वाज अवेलेबल इनिशियली इसमें एक एग्जांपल था न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल जो आपके एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं र सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम द एंटिसिपेटेड रिजल्ट तो जब भी आप लोअर मटीरियलिटी करोगे तो आपको देखना पड़ेगा क्या आपको परफॉर्मेंस करनी है एंड वेदर द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इज एप्रियट क्या ये बेसिक बात समझ आई नहीं आई समझ गए सर इस पर तो हमको एकदम नेक्स्ट लेवल कंफर्ट आ गया अब जब आपने मटीरियलिटी रिवाइज कर ली अब जाके देखो क्या आपकी अनकरेक्टेड स्टेटमेंट मटीरियल है या नहीं क्या आपकी अनकरेक्टेडमेंट मटीरियल है या नहीं तो फटाफट आ जाओ मेरे साथ देखो क्या कहता है एसए फोर फिफ्टी रिक्वायर्स दर टू रीअरियलिटी एस पर एस रीअसेसमेंट इज क्रूश मटेरियलिटी इन द लाइट यही चीज आपको SA 450 में अनकरेक्टेड स्टेटमेंट वाले टॉपिक में मिलती है हम जब भी मटेरियलिटी निकालते हैं तो हमेशा हम एंटीसिपेटेड रिजल्ट निकालते हैं क्योंकि एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट ऑडिट के स्टार्टिंग में अवेलेबल नहीं होते कभी भी किसी क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्टिंग में नहीं मिलते ठीक है।, है सर उसके बाद आप असेस करो इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एज पर द रिवाइज मटीरियालिटी थ्री ट्वेंटी क्या हम मटीरियालिटी रिवाइज कर सकते हैं हाँ। कब रिवाइज कर सकते हैं जब हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है रीअसेस करते हो और उसको लोअर अमाउंट में ले जाते हो तो आपको रिकंसिडर करनी पड़ेगी परफॉर्मेंस मटीरियालिटी फिर देखना पड़ेगा क्या आपके ऑडिट प्रोसीजर की आंटी अप्रोप्रियट है या नहीं तभी आपको क्या मिलेगा ऑडिट प्रोसीजर से सफिशियंट एंड्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सर ये इतना सारा मामला क्या दे रखा है फैक्ट्स ऑफ द केस तो उसके बाद आपने बस कंक्लूड करना है मटीरियलिटी अगर मटीरियलिटी नीचे जाती है तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को भी चेक करो एंड चेक करो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फिर उसी से आपको सफिशियंट एंड्रोप्रियट एविडेंस मिलेगा कुल मिला के क्या मैं इतनी सी बात बोल दू अगर आपको यह बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था अगर क्वेश्चन देख के मजा आ गया हो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना मेक श्योर sure वीडियो को लाइक कर देना अगर ये सारी बातें आपको क्लियर है क्लियर है सर अब सारे के सारे बच्चे आ पे, जल्दी से पानी के दो घूंट लगाओ और आ जाओ इस टॉपिक पे अब देखो सर एसआरएस क्या कहता है सबसे पहले एसआरएस किसकी बात करता है अगर आपको याद हो रिवीजन कर लेते हैं सर दो एस आर एस है फोर्टी फोर हंड्रेड एंड फोर फोर वन जीरो फोर्टी फोर हंड्रेड किसकी बात करता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर फोर फोर वन जीरो बात करता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट यानी आप ही मैनेजमेंट के साथ बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो ठीक है ठीक है सर अब देखो ये कौन सा केस है उन एंटरप्राइज लिमिटेड हैज ह्यूज फंड लॉक्डअप इन ट्रेड रिसबल कहीं ना कहीं इनके डेटर में बहुत पैसा फंसा पड़ा है सौ करोड़ के अराउंड क्या बात है सर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांट्स टू कौन evaluate करना चाहता है शेयर होल्डर या मैनेजमेंट मैनेजमेंट सर सबसे पहली इंडिकेशन की SRS का क्वेश्चन है यहां पर मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है ठीक है सर मैनेजमेंट चेक कराना चाहती है वैलिडिटी ऑफ अ ट्रेड रिसीवेबल टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एट ईयर एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल दे दी है उसमें बोला है हजार नेम नेमे उनके बैलेंसेस चेक करने उनको आपके कम्युनिकेशन डिटेल्स भी दे दिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री अब जल्दी से दिल पे हाथ रख के बताओ क्या वो आपको प्रोसीजर भी बता रहे हैं क्या वो आपको इनडायरेक्टली प्रोसीजर भी बता रहे हैं कि भाई ये नाम दे दिए इनके पता दे दिए आपको एड्रेस दे दिए अब इनसे कंफर्मेशन ले लो तो जब आपको मैनेजमेंट ही प्रोसीजर्स भी बता रही है तो क्या ये ऑडिट है आंसर इज नो दिस इज नॉट अ ऑडिट दिस इज अग्रीड अपॉन प्रोसीजर तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या इस पे ऐसे 805 लगेगा या इस पे एस आर एस फोर फोर एस आर एस फोर फोर जीरो जीरो लगेगा तो मैंने कहा सिंपल सी बात है आप ये देखो क्या आपको मैनेजमेंट ने प्रोसीजर बताया? अगर प्रोसीजर बताया तो हमेशा इस पे एस आर एस फोर फोर जीरो जीरो लगेगा ऑडिट वाला एट जीरो फाइव नहीं लगेगा ठीक है ठीक है सर कंपनीज मैनेजमेंट हैज रिक्वेस्टेड करोना टू टेक असाइनमेंट प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द मैनेजमेंट एज पर द स्टैंडर्ड्स डिस्पाइट नॉट बींग द स्टेचरी ऑडिटर शी डिसाइड्स टू एक्सेप्ट द अब एंगेजमेंट मुझे एक बात बताओ जब आप मैनेजमेंट के लिए एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कर रहे हो तो क्या आपका ऑडिटर होना जरूरी है आंसर इज नो क्या फर्क पड़ता है ऑडिटर है या नहीं कोई भी आपके लिए यह एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कर सकता है By explaining the nature of engagement, discuss whether it is proper for her to accept the engagement. Answer is yes, acceptable है Nature of procedure मतलब आपको अब agreed upon procedure की definition बतानी है जो हमने class में सबसे पहले याद की थी ठीक है सर? दूसरी बात आपने बताने क्या precautions आपने लेने हैं so that the readers of report do not misunderstand the scope. This is a very good topic asked by ICA. थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा देखो क्या कहता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में आपका काम क्या होता है मैंने कहा वही डेफिनेशन लिखनी है कि सर हमको पहले प्रोसीजर्स बताए गए हैं जो हमको परफॉर्म करने ऑन द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देखो क्या कहते हैं अ रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग आप इसमें कोई ओपिनियन नहीं दोगे फैक्चुअल फाइंडिंग्स कैसे निकलेंगी जब आप स्पेसिफाइड प्रोसीजर करोगे किसके ऊपर स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ स्पेसिफाइड अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर से बोलो सारे बच्चे मेरे साथ सर हमें रिपोर्ट करनी है फैक्चुअल फाइंडिंग्स यानी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स ये कैसे निकलेंगे जब हम स्पेसिफाइड प्रोसीजर करेंगे किसके ऊपर सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ स्पेसिफिक आइटम और अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हमारा एस आर में घुसेगा फर्क नहीं पड़ता आप ऑडिटर हो या नहीं करूणा ने जो एक्सेप्ट किया वो प्रॉपर है तो सबसे पहले तो आप ये लिख के चलो बेसिक सी बात है सेकेंड थिंग दैट यू विल राइट हेयर इज प्रिकॉशंस अब सर ये प्रिकॉशन करके ना अलग से कोई टॉपिक नहीं है प्रकॉशन करके अलग से कोई टॉपिक नहीं है बट जब हमने एस आर पढ़ा क्या हमने ये सारे पॉइंट्स कवर करे थे कि रिपोर्ट में आने चाहिए हाँ अब आप मुझे बताओ इनमें से किसके अंदर से प्रिकॉशन वाली फील आ रही है क्या एग्रीड अपॉन प्रोसीजर बताने से प्रिकॉशन वाली फील आ रही है नहीं सर पर्पस बताने से आ रही है नहीं सर स्पेसिफिक प्रोसीजर बताने से आ रही है नहीं सर फैक्चुअल फाइंडिंग बताने से आ रही है नहीं सर बट जब आप सामने वाले को सावधान कर रहे हो ये ऑडिट और रिव्यू नहीं है हम इसमें अशोरेंस नहीं देते क्या ये प्रिकॉशन की फील दे रहा है हाँ प्रिकॉशन नंबर वन सेकेंड थिंग क्योंकि ऑडिट और रिव्यू नहीं है तो हो सकता है अगर हम एडिशनल प्रोसीजर करते ऑडिट और रिव्यू वाले तो कुछ और बातें भी पता चलती क्या ये प्रिकॉशन की फील दे रहा है हाँ सर तीसरी चीज ये जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं ये सबके लिए नहीं है सिर्फ उन्हीं पार्टीज के लिए जिनसे जिन्होंने हमसे ये प्रोसीजर कराए क्या ये प्रिकॉशन की फील दे रहे हैं हां सर एंड लास्ट में हमने सब कुछ चेक नहीं किया सिर्फ वही आइटम और अकाउंट चेक करें जो पार्टी ने हमको बोले थे इट रिलेट्स ओनली टू द अकाउंट्स आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड और बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर नहीं करता क्या ये भी प्रिकॉशन की फील दे रहे हैं हाँ सर तो ये चार प्रिकॉशन को आपने बस अलग से ध्यान रख के चलना है जल्दी से बताओ क्या क्या प्रिकॉशन सबसे पहले तो सर ये ऑडिट और रिव्यू नहीं है तो हम अश्योरेंस नहीं दे रहे और दूसरी बात क्योंकि ऑडिट रिव्यू नहीं किया तो हो सकता है सब कुछ ना भी पता चला तो पहले दो पॉइंट तो हो गए ऑडिट और रिव्यू वाले ठीक है सर बाकी दो पॉइंट्स क्या है ये सब कुछ कवर नहीं करता ये सबके लिए नहीं है बोलो मेरे साथ ये सब कुछ कवर नहीं करता ये सबके लिए नहीं है यानी ये बाकी अकाउंट्स और आइटम्स को कवर नहीं करता सिर्फ उन्हीं को कवर करता है जो हमारे एंगेजमेंट में लिखे थे सबके लिए नहीं है मतलब इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द दार्टी क्या ये चार बातें समझ आई हाँ सर दो पॉइंट ऑडिट और रिव्यू वाले एंड लास्ट के दो पॉइंट ये सब कुछ कवर नहीं करता ये सबके लिए नहीं है ये सब कुछ कवर नहीं करता ये सबके लिए नहीं है यही बातें आपने बस ध्यान रख के चलनी है तो पहला पॉइंट क्या आएगा इट इज नाइदर ऑडिट नॉर अ रिव्यू सो नो अश्योरेंस इज एक्सप्रेस सेकेंड थिंग क्योंकि ऑडिट और रिव्यू नहीं है तो हो सकता है हमको बाकी बातें पता चलती ऑडिट रिव्यू करते वक्त जो अभी नहीं पता चली ये सब कुछ कवर नहीं करता है सबके लिए नहीं है यानी इट रिपोर्ट ओनली द एलिमेंट्स और अकाउंट्स जो हमको स्पेसिफाइड थे बाकी चीजें कवर नहीं करता सबके लिए नहीं है मतलब रिपोर्ट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दो पार्टीज जिन्होंने प्रोसीजर्स एग्री करे थे आई होप ये क्वेश्चन करके आपको मजा आ गया अब आ जाओ सर मेरा फेवरेट टॉपिक ये आ गया मेरा फेवरेट टॉपिक मैं आपको बता नहीं सकता भाई साहब कितनी शिद्दत से हमने इस टॉपिक को क्लास में पढ़ा है कम से कम पांच से छह घंटे लगाए हैं तब जाके डिजिटल ऑडिटिंग पे कंफर्ट आया और सारे एमसीक्यूज हमारे हो गए पूरी बात कहेगा फालतूसी हमको सुनने का मन नहीं है लास्ट पॉइंट पे आ जाओ क्योंकि इन्हीं बातों से आपको बता जाएगा पूछने की क्या कोशिश है वॉट आर द कॉमन रिस्क ऑफ ब्लॉक टेक्नोलॉजी ठीक है सर पहली चीज दूसरा ये कहता है हमको ऑडिट इंप्लीकेशन भी बताओ जब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हो फटाफट आ जाओ नोट्स पे। पहले हम ब्लॉकचेन रिवाइज़ कर लेते हैं सर ब्लॉकचेन था क्या मेरे पास आओ मेरे दोस्तों आओ ब्लॉकचेन रिवाइज करें कहा गया सर ब्लॉकचेन? बचपन में मुझे याद है हम एक गेम खेलते थे बंदी चेन तुमको याद है बंदी चेन इधर आओ बंदी चेन याद है क्या होता था हाँ सर आठ दस बच्चे होते थे मैं पकड़ता था बच्चों को जो मेरे हाथ में पहला बच्चा आता था मैं उसका हाथ पकड़ लेता था फिर हम दोनों भागते थे फिर तीसरे बच्चे को पकड़ते बड़ा मजा आता था वैसे ही हमारा ब्लॉकचेन सर ब्लॉकचेन क्या था मैंने कहा ब्लॉकचेन इज नथिंग बट अ लेजर ये एक लेजर है जो एक बंदे के पास नहीं है सबके पास है सबके पास है मतलब इट इज डिसेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ठीक है सर अब सर एक बात बताओ क्योंकि ये सबके पास है तो कोई भी इसमें एंट्री मार सकता है कोई भी इसमें छेड़खानी कर सकता है मैंने कहा नहीं पासवर्ड है पासवर्ड है यानी इट इज सिक्योर थ्रू इंक्रिप्शन प्लस जो भी ट्रांजेक्शन होंगी ब्लॉक चेन में दे विल बी वैलिडेटेड बाय द पार्टिसिपेंट जिनके पास पासवर्ड है एंड इस तरह से हमारा ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन बनता जाता है पहला ब्लॉक बनता है फिर दूसरे ब्लॉक में पहले ब्लॉक का एक मार्क आता है जिससे दोनों कनेक्ट हो जाते हैं फिर तीसरा ब्लॉक बनता है उसमें पहले दो ब्लॉक्स का मार्क आता है तो तीनों कनेक्ट हो जाते हैं तो इस तरह से पूरी चेन बन जाती है बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है अब देखो सर क्या होता है सबसे पहले आती है ऑडिट इंप्लीकेशन सर ऑडिट इंप्लीकेशन क्या है सबसे पहले आप बोलोगे सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस बोलो मेरे साथ सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस इसका क्या मतलब है जो ब्लॉकचेन में इंक्रिप्शन होती है वो कैसे होती है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू होती है सर ये तो अच्छी बात हो गई दिक्कत क्या है मैंने कहा थोड़ी बहुत रिस्क है थोड़ी बहुत रिस्क है सर रिस्क है हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था सप्लाई ब्लॉक का सर सप्लाई ब्लॉक का क्या मतलब है अगर आप एक सप्लायर की ब्लॉक बना रहे हो तो जो सप्लायर है वहां से आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी ब्लॉक में और फिर जो सप्लायर की इंफॉर्मेशन है वो आपके ईआरपी में जाएगी सैप में जाएगी यानी आपके लेगेसी सिस्टम्स में जाएगी तो ये कहता है ब्लॉक चेन इंटरक्ट विद टू थिंग्स सर कह किस किस से लेगेसी सिस्टम्स एंड बिजनेस पार्टनर बोलो मेरे साथ ब्लॉक चेन पार्टनर्स एंड क्योंकि ये सब चीजें इंटरक्ट कर रही हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब सप्लायर से ब्लॉकचेन में इंफॉर्मेशन आ रही है या ब्लॉकचेन से लेगेसी सिस्टम में जा रही है तो इस रास्ते में कोई दिक्कत हो सकती है इस रास्ते में ये इंफॉर्मेशन के साथ छेड़खानी हो सकती है हाँ सो ये कहता है जो आपका इंटरफेस है जो आपका इंटरफेस है बिटवीन दीज एप्लीकेशन इसको प्यार से क्या बोलते हैं ए पी आई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलो मेरे साथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये इनसिक्योर हो सकता है क्योंकि ये इनसिक्योर है तो डेटा कॉन्फिडेंशियल नहीं होगा डेटा लीक हो सकता है एंड प्राइवेसी के इश्यूज आ सकते हैं तो ये सबसे पहला पॉइंट आता है सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस यही मेन पॉइंट है बाकी दो पॉइंट्स में तो कुछ भी नहीं है तो पहले बोलो इट इज डिपेंडेंट ऑन क्रिप्टोग्राफी बट देर आर स्टिल सम रिस्क रिस्क है ब्लॉक चेन इंटरेक्ट करता है लेगेसी सिस्टम एंड आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो इससे क्या हो सकता है जब डेटा आ रहा है फ्रॉम दिस एप्लीकेशन टू दिस एप्लीकेशन दिस एप्लीकेशन टू दिस एप्लीकेशन तो उस रास्ते में दिक्कत आ सकती है रास्ते को हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं इंटरफेस दिस कैन बी अफेक्टेड ड्यू इन सिक्योर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी के इश्यूज आ सकते हैं अब मुझे बताओ जब आपकी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस वीक है तो क्या आपने एप्लीकेशन ठीक से बनाई है नहीं दिस इज बिकॉज ऑफ अ वीक एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेकेंड पॉइंट भी हो गया थर्ड पॉइंट क्या जब डेटा प्राइवेसी होगी जब डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के इश्यूज होंगे डेटा लीक हो जाएगा तो क्या आप पे डेटा प्राइवेसी लॉज लग जाएंगे हाँ सर डेटा प्राइवेसी लॉज लग जाएंगे एंड इट कैन लीड टू अ अबिलिटी फॉर नोक्लार नोक्लार मतलब नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन तो ये हो गए आपके ऑडिट इंप्लीकेशन आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर यस सर फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस इसमें आप ये सप्लायर और ईआरपी वाली बातें लिखेंगे फिर बाकी दो पॉइंट्स इसी से इंटरलिंक्ड है वीक एप्लीकेशन डेवलपमेंट और अगला पॉइंट क्या था मैंने कहा लास्ट पॉइंट इज डेटा प्राइवेसी लॉज विच कैन लीड टू अ अबिलिटी फॉर नोकलर अब सर इसमें रिस्क क्या थी मैंने कहा रिस्क वही थी जो मैंने आपको क्लास में बताया था क्या सर स्ट्रेंथ्स ऑफ ब्लॉक चेन कैन ऑल्सो बीट जैसी आप लिखोगे एग्जामिनर के मन में मतलब ऐसे ना लड्डू फूटेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ब्लॉक चेन कैन ऑल्सो इट्स वीकनेस सर इसका क्या मतलब था मैंने आपको इसमें एक एग्जाम्पल दिया था चाइनीज लॉक का कि चाइनीज लॉक सिक्योर तो होता है कि जैसी आप उस पर ताला लगाओ कोई तोड़ नहीं सकता बट जैसी मैंने चाइनीज लॉक लगाया और अगर मैं चाबी घर पे भूल गया तो क्या ऐसा हो सकता है मैं खुद ही घर में नहीं घुस पाऊंगा आंसर इज यस सर आप खुद ही घर में नहीं घुस पाओगे तो ये कहता है क्योंकि देयर इज अ इनएबिलिटी टू रिवर्स द ट्रांजेक्शन और एक्सेस द डेटा विदाउट द की बिना चाबी के आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते तो ऐसा ये भी तो हो सकता है ना कि आप की भूल जाओ एज अ पर्सन आप अपनी की भूल जाओ तो आप अपना ही डेटा एक्सेस ना कर पाओ तो इस केस में आपका काम क्या है सर आपके पास बैकअप होना चाहिए आपके पास एक प्रोटोकॉल और प्रोसेस होना चाहिए सो दैट यू आर नॉट आउट एंड यू हैव सम समी प्लान कहीं ना कहीं इसके लिए आपको प्रोटोकॉल और प्रोसेस रखना चाहिए ताकि आप लॉकडाउट ना हो जाओ और आपके पास कंटेंजेंसी प्लान हो एग्जांपल के तौर पे मैंने अपनी चाबी अपने पड़ोसियों के पास रख रखी है अब एक बात बताओ जब मैं अपनी चाबी पड़ोसियों के पास रखूंगा तो क्या उसके अंदर भी कुछ सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं हाँ सर तो आप बोलोगे ब्लॉक के अंदर भी

ऑडिट इंप्लीकेशन में सबसे पहले क्या आएगा सर गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी इसके अंदर आप बोलते हो क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं बट रिस्क फैक्टर है रिस्क फैक्टर क्या थे विद दो थिंग्स लेगेसी सिस्टम्स एंड बिजनेस पार्टनर ठीक है सर तो जब डेटा जा रहा है फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर इट कैन बी अफेक्टेड ड्यू टू है इंटरफेस यानी वो रास्ते में डेटा चोरी हो सकता है इसको क्या बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जब डेटा चोरी होगा तो उससे क्या अफेक्ट होगा डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी

आप तो अंदर नहीं घुस पाओगे ट्रांजेक्शन और एक्सेस विदाउट इट सिक्योर बट यू नीड प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसेस प्लान हो बटिजेंसी प्लान क्या था हमने वो चाबी अपने पड़ोसी के पास रखवाई बट हम खुद ही अंदर नहीं घुस पा रहे और सिक्योरिटी इशूज भी हैं सो इट कैन ऑल्सो एक्सपोज टू साइबर अटैक्स एंड डेटा सर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बैंक ऑडिट इसमें भी ने ना एकदम तड़कता भड़कता क्वेश्चन पूछा है फटाफट पानी के दो घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी जो बच्चे, जो बच्चे 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 प्यारे प्यारे बच्चे, रिकॉर्डेड देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में रेडी लिख दिया करो ठीक है इससे जो तुम्हारा वो होता है ना सर ऑनलाइन में ना हम जोन आउट हो जाते हैं ऑनलाइन में ना हमारा वो वो अटेंशन चला जाता है अरे कैसे जाता है मैं पानी पीता रहता हूं ना क्यों क्योंकि मैं भी अभी तुमसे बात कर रहा हूं मैं भी थोड़ा जोन आउट हो सकता हूं तो आई जस्ट हैव सम सम वाटर आई जस्ट डू टॉकिंग एंड ऑल तो तुमको भी इंटरेक्ट करते रहना चाहिए ठीक है सर अब आ जाओ सर बैंक ऑडिट का क्वेश्चन क्या कहता है बहुत प्यारा क्वेश्चन है जिन बच्चों ने अभी मे 24 नवंबर 24 की क्लासेस कर रहे हैं दिस क्वेश्चन आई थिंक इज ऑलरेडी कवर्ड इन द क्वेश्चन बैंक वीडियो जो हमने सारे क्वेश्चन क्लासिक वाले कवर करें क्लास में उसमें कवर हो चुका है इफ यू हैव नॉट कवर्ड येट देन यू कैन वॉच इट अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर क्या कहता है PDSJ and Associates are the statutory auditor of a bank. ठीक है सर While evaluating the internal control over advances, it came to their notice that classification of the term loan borrowers into SMA as well as NPA is done in the system on following line. सबसे पहले तो those who have forgot उनके लिए एक quick revision में करा देता हूं सर देखो क्या होता है टा, 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 एक document दिखाता हूं रुको जी मित्रों तो ये आपके इंटर के नोट्स हैं अगर आप देखो एडवांसेस की क्लासिफिकेशन सर कैसे होती है सबसे पहले तो होते हैं स्टैंडर्ड रेगुलर एडवांसेस जिनका पैसा टाइम पे आ रहा है फिर आते हैं आपके ओवरड्यू एडवांसेस जिनको आप बोलते हो एसएमए एसएमए का क्या मतलब है स्पेशल मेंशन अकाउंट इसमें कौन से आते हैं सर सबसे पहले जिनके अंदर से स्ट्रेस की खुशबू आ रही कि इन लोगों से पैसा नहीं आने वाला दीज आर जनरली जीरो टू थर्टी डे सॉरी वन टू थर्टी डेज ओवरड्यू फॉर वन डे टू थर्टी डेज फिर जो ओवरड्यू होता है थर्टी वन टू डेज वो जाते हैं एसएमए एम वन फिर एसएमए एम ए टू डेज एंड नाइनटी डेज के बाद तो एनपीए हो जाता है ये बात आपको ऑलरेडी पता है तो ये देखो क्या कहता है ये कहता है कि हम जो एडवांसिस की लेबलिंग करते हैं ये कैसे करते हैं इनका इंटरनल कंट्रोल इन्होंने बताया ठीक है थीके? देखो क्या कहता है सिस्टम कैसे काम करता है इन केस द फ्यूल फुल ड्यूज आर नॉट रिसीव्ड ऑन अ पर्टिकुलर ड्यू डेट बोरो अकाउंट इज इमीजिएटली कंसिडर्ड एज ओवर ड्यू ऑन द वेरी नेक्स्ट डे फॉर एग्जाम्पल इफ द ड्यू डेट ऑफ द लोन इज थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी यहीं पे कैच है यहीं पे कैच है जो आरबीआई की गाइडलाइंस है जो कि स्टडी मटेरियल में नहीं दे रखी और इन्होंने सोचा हमको ऑलरेडी आती होंगी वो मैं आपको बता देता हूं आरबीआई कहता है सावधान रहे सतर्क रहे यह आपने फर्स्ट अप्रैल को यह काम नहीं करना यह आपने थर्टी फर्स्ट की नाइट को ही कर देना है यह आपने काम थर्टी फर्स्ट की रात को ही करना है यानी थर्टी फर्स्ट की रात को आप एक बैच प्रोसेस चलाओगे और बैच प्रोसेस चला के जितने भी अकाउंट्स ओवरड्यू हैं उनकी लेबलिंग करते जाओगे आप एक अप्रैल के लिए नहीं रुकोगे ठीक है सर अगर यह ओवरड्यू है इट इज टैग्ड एज एस एम ए वन ऑन फर्स्ट ऑफ में अब मुझे एक बात बताओ सारे के सारे बच्चे ऐसे में वन कब होता था सर एसए में वन होता थार्टी फर्स्ट डे पे ऐसे में वन होता था, 31st पे. होता था 31st पे तो मुझे बताओ यहां पे इन्होंने फर्स्ट में करके सही किया या गलत किया सर आंसर इज गलत किया मैंने कहा क्यों तीस दिन कब कंप्लीट हुए सर तीस दिन कंप्लीट हो गए तीस अप्रैल को जो तीस दिन है वो कब कंप्लीट हो गए तीस अप्रैल को सर ऐसा क्यों अरे थर्टी मार्च को पैसा आना था हाँ सर तो 30 दिन ओवरड्यू कब कंप्लीट हो गए सर 30 दिन ओवरड्यू कंप्लीट हो गए 30 अप्रैल को तो ये कहता है 30 अप्रैल की रात को ही आपने ये काम कर देना था ओ तो फर्स्ट मे नहीं ये 30 अप्रैल होना चाहिए था दूसरी चीज फिर अगर ओवरड्यू रहता है तो हम इसको एसएमए टू बोलते हैं थर्टी फर्स्ट मे को अब एसएमए टू कब था सर जब उसके अगले तीस दिन हो जाएं तो तीस अप्रैल के अगले तीस दिन कब होंगे सर अगले तीस दिन होंगे तीस अप्रैल में थर्टी डेज ऐड करें तो ये होंगे थर्टी एथ ऑफ मे को अगेन थर्टी फर्स्ट मे रॉन्ग है एंड लास्ट में कहता है कि हम इसको एनपीए बोलेंगे थर्टीएथ जून को सर एनपीए के लिए नाइनटी डेज होते तो मुझे बताओ तीस मे के बाद अगर मैं थर्टी डेज और एड करूं तो एक दिन किसका गया मे का चला गया थर्टी फर्स्ट थर्टी वन डेज होते हैं ना मे में एक तो ना कुछ बच्चे ऐसे करते हैं इस जनवरी में थर्टी वन डेज फेबर में कम मार्च में ये हरकत अगर अभी तक कर रहे हो ना तो तुमको शर्म आनी चाहिए ठीक है अभी तुम मुझे एक बात बताओ मे में थर्टी वन डेज होते हैं हाँ सर तारीख तक तो एस एम ए टू बना एनपीए की जो टाइमलाइन थी वो थर्टी फर्स्ट मे से शुरू हो गई तो एक दिन गया अब बचे आपके पास डेज ऑफ जून तो क्या मैं बोल दू, 30th की जगह ये 29th जून होना चाहिए था हाँ सर ये ट्वेंटी जून को ही एनपीए बन जाना चाहिए था तो आप मुझे बताओ बैंक ने जो कंट्रोल डिजाइन कर रखा है क्या वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से आंसर इज नो ये सारी चीजें एक एक दिन पहले रात को हो जानी चाहिए थी तो देखो क्या कहता है डिजाइन ऑफ द कंट्रोल इज नॉट एज पर द रेगुलेटरी गाइडलाइन हमें ओवरड्यू मानना पड़ता है इफ इट इज नॉट पे ऑन द ड्यू डेट विच इज फिक्स ठीक है सर यह कहता है आप इसको फ्लैग करोगे एज ओवर ड्यू नेक्स्ट डे नहीं एज अ पार्ट ऑफ देयर डे एंड प्रोसेस दिन के आखिरी में आपने करना है अब यह मत पूछना सर रात के ग्यारह बजे बारह बजे ये सब आपके काम की बात नहीं बस इतना बता होना चाहिए डे एंड ठीक है सर तो जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ एस एम एंड एनपीए वो भी डे एंड पे हो जानी चाहिए क्लासिफिकेशन डेट इज द कैलेंडर डेट ऑन विच बच्चे मुझे बताओ जो आपकी ओवरड्यू है वो फर्स्ट मार्च को हो जानी चाहिए अप्रैल को नहीं ठीक है थर्टी फर्स्ट मार्च की रात को एस एम वन कब होगा उसके थर्टी डेज में यानी थर्टीएथ ऑफ अप्रैल को हो जाना चाहिए ऑफ बीटिन्यूसली ओवरड्यू एस एम टू कब होगा मैंने कहा एस एम टू जो है टू जो है वो अगले थर्टी डेज में यानी थर्टी ऑफ मे को हो जाना चाहिए और एनपीए जो है वो अगले थर्टी डेजेंटी नाइन ऑफ जून तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था बस एक छोटी सी बात आपको समझनी थी कि जो क्लासिफिकेशन है वो नेक्स्ट डे नहीं बदलती उसी दिन की रात को बदल जाती है ठीक है समझ गए सर अब आ जाओ सारे के सारे बच्चे पी ऑडिट के क्वेश्चन पे मैं एक बात बताऊं ना इतना ही अजीब क्वेश्चन है ना ये अगर मैं एज अ स्टूडेंट होता ठीक है लेट्स फॉरगेट फॉर अट आई एम द फैकल्टी अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता मैं इस क्वेश्चन को कभी नहीं करके जाता इतना अजीब सा क्वेश्चन है ना पता नहीं क्यों ही दिया ही है ये बट ठीक है अब आई को मजा आता है एकदम पूरे पूरे एक तरफ तो इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन बना रहे हैं ठीक है, है? प्रैक्टिकल जिनमें से अच्छी फील आ रही है ये वाला क्वेश्चन अच्छा था ब्लॉक चेन भी चलो एक थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट डाला इन्होंने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर वाला क्वेश्चन अच्छा था ऑल दीज आर गुड गुड क्वेश्चन बट ये जो बीच में ऐसे क्वेश्चन डालते हैं ना थोड़ा सा ना ऐसे मन खटक जाता है सर कोई बात नहीं हम कर लेंगे पक्का कर लेंगे यस सर जल्दी से पानी के दो घोट लगाओ पर क्वेश्चन अच्छा है बड़ा आंसर बहुत बड़ा है ठीक है हैंडल करते हैं चलो देखो क्या कहता हूँ सीएजी अपॉइंटेड सीएनएजी कौन होता है अपना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएनएजी अपॉइंटेड साहा एंड एसोसिएट्स अ सीए फर्म टू कंडक्ट अ परफॉर्मेंस ऑडिट परफॉर्मेंस ऑडिट आपको याद है हाँ सर ई ई ई इकोनॉमी इफेक्टिवनेस ठीक है सर फर्म कंडक्टिंग द ऑडिट विद्यू टू चेक ऑल द एक्सपेंसिस आर एज पर पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिकली एक्सेप्टेड कस्टम मुझे बताओ बोला क्या था सर बोला था परफॉर्मेंस ऑडिट करने करा क्या है करा इन्होंने है ऑडिट अगर आपने प्रोपर्टी ऑडिट की डेफिनेशन याद रख रखी है तो प्रोप्राइटी ऑडिट में यही होता था कि जो भी आप खर्चा करो वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए अनाप शनाप खर्चा करने की जरूरत नहीं है एंड खर्चे को इस तरह से करो जैसे आपका खुद का पैसा ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड वॉज रिजेक्टेड बाय सीएनएजी आप बताओ क्या सीएनएजी ने रिजेक्शन सही किया आंसर इज यस बिल्कुल सही किया पर इतना लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे सर नंबर कैसे मिलेंगे तो मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बता देता तो हूं आंसर का सबसे पहले सर आपने क्या करना है फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने कि भाई इस केस में क्या हुआ कैसे हुआ उस दूसरी बात ये कहता है कि दिस डज नॉट अलाइन विद द एसेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट बात है हमने भी एग्री किया ये परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं था ये क्या था सर ये कहीं ना कहीं प्रोपरिटी ऑडिट था तो ये परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं है तो अब बताओ परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है तो जो डेफिनेशन हमने क्लास में सीखी थी ना वही आपने बताना इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ठीक है कहीं ना कहीं ये है क्या सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट असेसमेंट किसके लिए इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ जो भी गवर्नमेंट की चीजें होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम एक्टिविटी सो दैट इससे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़े पब्लिक को पता लगे कि उनका पैसा जो है वो ठीक से यूज हो रहा है कि नहीं एंड जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान रख सके करेक्टिव एक्शन ले सके तो आपने बस ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन इस चीज की ऑफ द परफॉर्मेंस किसकी परफॉर्मेंस जो भी गवर्नमेंट की हरकतें होती है बताओ गवर्नमेंट एक्टिविटी गवर्नमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट एंटिटी अब ये कर क्यों रहे हो मैंने कहा कर दो चीजों के लिए रहे हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पब्लिक को पता चलना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है दूसरी बात जो डिसीजन मेकर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो कहीं ना कहीं इसको कंसिडर कर सके ओवरसाइट कर सके एंड अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके तो तोड़ तोड़ के बस आप इस डेफिनेशन को ध्यान रखना अब सर परफॉर्मेंस ऑडिट करवाता कौन है पहले बताओ क्या होता है फिर बताओ करवाता कौन है मैंने कहा ये करवाता है सीएनएजी अपने डिपार्टमेंट के साथ ये डिपार्टमेंट को भी आप पहचानते हो आई ए इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट ठीक है सर अब सर करना कैसे है ये भी बता दो तो करने के लिए आप इनको मैनुअल्स और स्टैंडर्ड्स देते हो ताकि ये ई इवेल्युएट कर सके ठीक है सर अब इसका ऑब्जेक्टिव बता दो ये तो हमने पहले ही बता दिया कि दो चीजें होती है सर अकाउंटेबिलिटी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और क्योंकि पब्लिक को ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी तो ये तो पब्लिक का फायदा हो गया दूसरा फायदा क्या है मैंने कहा दूसरा फायदा है जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो प्रॉपर एक्शन लेके चलेंगी एंड लास्ट में आपने बस कंक्लूजन देना है मैंने कहा क्या जो ऑडिट रिपोर्ट की रिजेक्शन थी इट वॉज वॉरंटेड उसने जो पब्लिक इंटरेस्ट और ये सब चीजें चेक करी इसका काम ये नहीं था इसका काम ये नहीं था इसको चेक करनी थी इकोनॉमी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तो देख लो कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो अगर अंग्रेजों वाली तरीके को अडॉप्ट करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं सबसे पहले आप क्या बोलोगे सर सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस क्या करने को कहा गया था क्या किया इससे इसके बाद बोलो दिस इज नॉट एज पर द एसेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट अब बताओ परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है सर इट इज अस्टमेटिक एग्जामिनेशन ये कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट की हरकतें गवर्नमेंट का प्रोग्राम गवर्नमेंट की एंटिटी गवर्नमेंट के एक्टिविटीज ठीक है करते क्यों है मैंने कहा दो चीजों के लिए पब्लिक के लिए और डिसीजन मेकर्स के लिए पब्लिक के लिए और डिसीजन मेकर्स के लिए यानी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग बाय द एंटिटीज की कहीं ना कहीं वो देख सके क्या गलती हो रही है एंड वो प्रॉपर एक्शन ले सके ठीक है यहां तक बातें समझे हाँ अब करवाता कौन है सीएनएजी और डिपार्टमेंट करता कौन है मैंने कहा जो ऑडिटर वो अपॉइंट करते हैं उसको मैनुअल्स देते हैं गाइडलाइंस देते हैं सब चेक करने के लिए क्या ये बेसिक बात समझ आती है हाँ. कर किसके लिए रहे अगेन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉपर एक्शन लेने के लिए बेसिक बातें समझ आ गई हाँ सर फिर आप बोलो कि जो उसने काम किया दैट वॉज नॉट प्रॉपर एंड जो सीएनए ने रिजेक्ट करी रिपोर्ट दैट वॉज प्रॉपर क्या ये बेसिक बात समझ आती है हाँ सर इस तरह से आप ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन को डील करके चला करो देखो मैं एक बात बताता हूं मैं तारक मेहता का बहुत बड़ा फैन हूं वो क्या कहता है प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ

आपको याद होगा कि हमने एक रिपोर्ट की बात की थी एक्शन टेकन रिपोर्ट प्लस आपको इसके बारे में कैसे बताना तो का का नहीं तो एज ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द क्लोजर ऑफ प्रायर ऑडिट इशूज इसके लिए हम क्या करते हैं चीजों को मॉनिटर करते हैं एंड इसके बारे में हमने मैनेजमेंट से प्री एग्री कर रखा होता है न, से sir, करना किसका काम है? ये का काम है हमारा काम है को याद दिलाना अगर मैनेजमेंट ने एक्शन नहीं लिया तो मैनेजमेंट को पूछो क्यों एक्शन नहीं लिया ड्रॉ द मैनेजमेंट अटेंशन टू इट दूसरी चीज वेयर द मैनेजमेंट हैज नॉट एक्टेड अपॉन दस जो हमने सजेशन दिए थे उसने का बेकार है या उसने एग्री किया था और इंप्लीमेंट नहीं किया नॉट इंप्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन तो आप उसका रीजन देखोगे ठीक है सर अगर उसने आपकी को एक्सेप्ट कर लिया था एंड नेसेसरी एक्शन भी इनिशिएट किया है मतलब अच्छा मैनेजमेंट है तो देखो उसका क्या स्टेटस है पीरियडिकली रिव्यू द मैनर एंड एक्सटेंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड आप उसके बाद उनको रिपोर्ट करो कौन सी ऐसी रिकमेंडेशन थी जो फुली इंप्लीमेंट नहीं हुई तो आपने एकदम फ्लो में चलना इधर देखो मैंने आपको कुछ सजेशन दिया ठीक है सर आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया तो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा मैंने तुमको कहा था करने के लिए तुमने क्यों नहीं किया दूसरी चीज मैंने तुमको कहा रिविजन करके और तुमने कहा नहीं करेंगे मैं तुमसे पूछूंगा रीजन क्या मैं तुमसे पूछूंगा रीजन क्या तुमने कहा करेंगे, करेंगे तो मैं पूछूंगा कितना किया यानी पीरियोडिकली रिव्यू द एक्सटेंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड लास्ट में सर सिंपल सी बात है क्या अगर मुझे लगता है कि तुमने चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे तुम तुम मैं कह रहा हूं रिवीजन करो तुम नहीं कर रहे तो मैं ये चीज तुमको रिपोर्ट करके दे दूंगा तो पहले मैं तुमको बताऊंगा फिर भी तुम नहीं मानोगे तो मैं तुमको ये चीजें रिपोर्ट करके दे दूंगा इसी को बोलते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट अगर आप अपने नोट्स में देखोगे फटाफट आ जाओ नोट्स पे तो ये नोट्स में आपके पास कहां दे रखा है सर ये जो टॉपिक है ना फॉलोअप वाला फॉलो अप ऑन द प्रायर ऑडिट इश्यूज सेम सेम टू चीज जो अभी हमने डिस्कस करी ये ऐसे की ऐसी यहां पे दे रखी है तो यही बात आपने अपने आंसर में लिख के चलनी है क्लियर है क्लियर है है सर अब सर अब एक टॉपिक आता इमर्जिंग एरिया इसमें कुछ भी नहीं है ये बोलता है सर क्या सेबी ने बी की जो रिपोर्ट है इट इज मेड मैंडेटरी फॉर द सर्टेन लिस्टेड कंपनी अभी के लिए टॉप थाउजेंड जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए एप्लीकेबल है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन इट इज एन एवोल्यूशनरी स्टेप इन दस जी रिपोर्टिंग डिस्कस द नेचर ऑफ ई एस डी तो ई एस जी का क्या मतलब होता है सर इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस इन्वायरमेंट में आप बात करोगे क्लाइमेट की एनर्जी यूज की पॉल्यूशन की ये बेसिक बेसिक बातें बस आपने इसमें ध्यान रख के चलनी है सोशल में सर किसकी बात करते हैं मैंने कहा सोशल में आप बात करते हो अपने जो यू कैन से पीपल हैं यानी आपके सप्लायर्स आपके कस्टमर आपके इंप्लॉयस ये बात करते हैं रिलेशनशिप्स जो एंटिटी ने डेवलप कर रखी है पीपल एंड इंस्टीट्यूशन कम्युनिटीज एंड द वैल्यू चेन इन्वॉल्व यानी आपकी सप्लाई चेन कस्टमर ये सब इसकी बात होती है गवर्नेंस में क्या आता है सर गवर्नेंस में बेसिकली आते हैं आपके कंसिडरेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर नॉट ओनली द सप्लाई चेन बट ऑल द स्टेक होल्डर तो उनके लिए आपने क्या पॉलिसीज प्रोसीजर्स और प्रैक्टिस बना रखे हैं इनकी बात यहां कवर की जाती की, की, वाटर, की। सोशल में बात करते हैं हम अपनी वैल्यू चेन की एंड गवर्नेंस में बात करते हैं हमारे पॉलिसीज प्रोसीजर्स प्रैक्टिस रिगार्डिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स ठीक है ठीक है सर दूसरी चीज इसने पूछी है, का मतलब बताओ वो तो हमने बता दिया ये कहता है आपकी ई रिपोर्टिंग की नेचर क्या होनी चाहिए तो ये कहते है, दो तरह की नेचर हो सकती है तो है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव सर क्या फर्क में ना नंबर्स आते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ये कहता है इट कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसमें आप बात करोगे अपनी स्ट्रेटेजी पॉलिसीज की जो क्वांटिटेटिव है उसमें आप बात करोगे मैट्रिक्स की कि कितना हमने अचीव किया कितना मैट्रिक टन हमने वेस्टेज बचाई ऐसे बोल सकते हो कितना मैट्रिक टन हमने वेस्टेज बचाई कितना हमने गरीबों का भला किया क्वांटिफाई करके तो जो आपके मैट्रिक्स हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको आप बताते हो तो क्वालिटेटिव भी होता है क्वांटिटेटिव भी होता है तो आप बताओ सबसे बढ़िया क्या रहेगा क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कभी किसी के घर गए हाँ सर तो वो पूछते ना समोसा खाओगे या ढोकला तो आप क्या बोलते हो दोनों तो मैं कहूंगा यहां पे ना दोनों चलेंगे मिक्सड अप्रोच चाहिए ताकि आप मैक्सिमम वैल्यू एड कर सको इन द डिस्क्लोजर ये बेसिक बात आपने समझनी थी तो ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बस फील फील की बात है अब लास्ट पॉइंट आता है क्या कहता है हाउ कैन द कॉर्पोरेट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो मुझे एक बात बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कंपनीज डेवलप करें नेशन डेवलप करें बट रिसोर्सिस प्रोटेक्टेड रहे कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज प्रोटेक्टेड रहे मैं कहता हूं रिसोर्सेज ही नहीं लोग भी प्रोटेक्टेड रहे लोगों का भी भला होना चाहिए तो लोगों का भला 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 कैसे होता 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 है 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 सर एजुकेशन से से हेल्थ वेरी गुड इन्वायरमेंट का भला कैसे होता है क्लाइमेट का, का ध्यान रख के नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करके तो देखो क्या कहता है यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकाले हमारा काम है लोगों का और एनवायरमेंट का भला करना लोगों का क्या मतलब है हेल्थ लिख दो लोगों हेल्थ एजुकेशन इन को भगाओ साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए डेवलपमेंट होनी चाहिए बट इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं अब सर इसके लिए कॉर्पोरेट क्या कर सकता है भाई इनोवेशन करो तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेस है गरीबों का भला करो तो यह कहता है जो कैपेसिटी टू प्रोवाइड सोल्यूशन है ये कॉर्पोरेट्स के पास है ये लोग इनोवेशन कर सकते हैं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सर क्या बस ये इतनी सी बात थी हां मैंने कब का ऑडिट कॉम्प्लिकेटेड है तुम बनाते हो इसको कॉम्प्लिकेटेड, मैं नहीं मेरा काम है चीजों को बस सिंप्लीफाई करके देना ठीक है ठीक है सर तो कुछ था क्या इस क्वेश्चन में नहीं

गवर्नेंस में आ जाती है सर आपकी पॉलिसीज प्रैक्टिसेस किसको लेके मैंने कहा सिर्फ लोगों को लेके नहीं जो आपके सप्लाई चेन के हैं कंसिडरिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स ठीक है सर फिर रिपोर्टिंग कैसे करनी है क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव बोलो दोनों मिक्सड अप्रोच ऑफ रिपोर्टिंग इज एडिंग द मैक्सिमम वैल्यू टू द स्टेक होल्डर फिर यूनाइटेड नेशन ने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करना है लोगों का भी भला करना है इन्वायरमेंट का भी भला करना है और नेशन ग्रो भी होना चाहिए लोगों का भला मतलब पावर्टी हटाओ हेल्थ दो एजुकेशन दो इनइक्वालिटी कम करो इन्वायरमेंट का भला करो मतलब यू नीड टू कंसिडर द नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट चेंज ठीक है ये काम कौन करेगा कॉर्पोरेट्स करेंगे बाय प्रोवाइडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन अब आ जाता है सर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स फटाफट देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कमेंट विद रेफरेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 पीए पंकज एक्सेप्टेड द प्रोफेशनल वर्क ऑफ एक्टिंग एज अ वैल्यूअर डायरेक्ट टैक्सेस क्या आप एज अ इन प्रैक्टिस वैल्यूअर का काम कर सकते हो हाँ सर अच्छा वैल्यूअर कौन से मैंने कहा डायरेक्ट टैक्स वाले ठीक है बाकी चीजों की वैल्यूएशन वैल्यूएशन आप नहीं कर कर सकते क्या मैं प्लांट एंड मशीनरी की कर सकता हूं आंसर इज नो जो वैल्यूएशन डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह के लिए रिक्वायर्ड है वही चीज आप कर सकते हो ठीक है ही चार्जेस द फीस ऑन अ परसेंटेज ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यूड ये जो मैंने आपसे प्लांट एंड मशीनरी वाली बात की ना इसका एक बार मैं प्रोविजन भी दिखाता हूं रुको देखो क्या कह रहा है जो आप वैल्यूएशन कर रहे हो ये वैल्यूएशन आप सिर्फ कर सकते हो शेयर्स की ठीक है ये आपका कौन सा सेक्शन है ये है आपका सेक्शन टू सबसेक्शन टू उसके अंदर जो क्लॉज फोर में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अलाउड है सो एज सी प्रैक्टिस आप रजिस्टर्ड वैल्यू एड कर सकते हो बट हर चीज के नहीं सिर्फ सिर्फ शेयर्स के बिजनेस के एंड यू कैन गिव एडवाइस रिगार्डिंग मर्जर्स एंड एक्विजिशन तो जितने भी ऐसे बिग फोर्स होते हैं एम एन ए टैक्स वगैरह के डिपार्टमेंट रखते हैं ना हाँ, उन सब के रिलेटेड आप काम कर सकते हो शेयर्स और बिजनेस की वैल्यूएशन कर सकते हो बट बाकी चीजों की नहीं तो आप मुझे बताओ क्या मैं वैल्यूएशन वगैरह कर सकता हूं फॉर डायरेक्ट टैक्स आंसर इज यस यू कैन डू इट क्या मेरी जो फीस है

स्ड ऑन दसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और कंटिजेंट अपन द फाइंडिंग ऑफ वर्क बट रेगुलशन वन नाइन टू कहती है कि जो वैल्यूएशन है फॉर द पर्पज ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड ड्यूटीज इट कैन बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूड सो यू विल नॉट बी डीम टू बी गिल्टी तो ये आप एक्सामेशन में कवर हो जाओगे नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं सीए अनिता ज्वाइन एज एन ऑडिट एक्सिक्यूटिव इन अ सी ए फर्स्ट अप्रिल ट्वेंटी थ्री डिस्पाइट रिसीविंग मल्टीपल रिमाइंडर्स फ्रॉम आईसीआई उसने आईसीआई को इंफॉर्मेशन नहीं दी तो ये बताओ कौन से वाले पार्ट में आएगा सर आईसीआई वाले दो क्लॉजेस थे एक तो फेलियर टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन एक होता है प्रोवाइडिंग द फॉल्स इंफॉर्मेशन जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप आईसीआई को देते हो वो बहुत गंभीर बात है तो वो सेकंड सेकंडूल में जाती है बट फेलियर टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ये आती है फर्स्ट शेड्यूल में ठीक है सर अब मुझे बताओ फर्स्ट शेड्यूल का कौन सा पार्ट आएगा सर ये वो तीन पार्ट है जिसमें आप एफ 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 की बात करते हो तो इट वॉज पार्ट नंबर थ्री

फेलियर टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन और कंप्लाई रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईसीआई उसका काउंसिल उसकी कमेटियां वही फील के साथ बोलो आईसीआई काउंसिल उसकी कमेटियां डी डी बोडी डी सी डायरेक्टरेट डिसिप्लिन बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन डिसिप्लिनरी कमेटी और अगे अगर इनके अगेंस्ट कोई कंप्लेट होगी तो हम कहां जाएंगे एपिलेट अथॉरिटी तो अगर इनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप टाइम पे नहीं देते तो क्लॉस टू पार्ट थ्री ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी हो जाओगे कंक्लूजन में बस यही बात आपने लिखनी है गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और ये क्लॉस को वापिस लिख देना इतनी सी बात लिख के आपके चार नंबर पूरे के पूरे सो आई होर कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि भाई लिया पूछेंगे। तो का मतलब है आपको वो थ्योरी आनी चाहिए आपको वो चीजें लिखने आनी चाहिए जब तक वो नहीं आएगी ना तब तक नंबर नहीं आएंगे आप एकदम अच्छे से कर सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस आरटीपी जितना आप चीजों को समझ के करोगे उतना आपको मजा आएगा एंड यू विल बी एबल टू हैंडल इट ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्लियर सी ए शुभम केसवानी पे मिल जाएगा तो नथिंग टू तो वरी अबाउट बस आपने अपने ऊपर भरोसा रखना है यू नीड टू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ बिकॉज हम कई बार कहते हैं ना वो मेरे पे भरोसा नहीं करते हैं मेरे पेरेंट्स मेरे पे भरोसा नहीं करते मेरे दोस्त मेरे पे भरोसा नहीं करते आप मुझे बताओ क्या आप अपने आप पे भरोसा करते हो ये बात आपको अपने आप को बतानी पड़ेगी कि मुझे अपने ऊपर भरोसा है